ये हमारे दो असील कुक्कड़ और ये दो बकरे हैं माशाल्लाह, कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं और कुर्बानी पे इनको ज़िबह किया जाएगा। और ये माशाल्लाह हमारी गाय है, चेक कर सकते हैं, ये क्रॉस हो गई है। ये मुर्गी देखकर भागना शुरू कर दिया, इसने डर गई है। और दोस्तों आपको कबूतर भी चेक करवाते हैं, ये चेक करें, इनके लिए खुड्डा ये इनके लिए खुड्डा बनाया गया कबूतरों के लिए, और इन मुर्गियों के लिए ये वाला डरबा बनाया गया। एक मुर्गी हमने सेवे बिठाई हुई है, जब ये बच्चे निकालेगी दोस्तों तो ये भी आपको हम दिखाएंगे। और ये जानवरों के लिए हमने पराली रखी हुई है, हमारे अंकल बैठे हुए हैं, आपको वो भी दिखाते हैं और पूरा आपको शौक करवाया करेंगे। ये हमारे अंकल दारा साहब हैं और ये ट्रैक्टर है, ज़मीन जैसे जैसे जुतवाई की जाती है वो सारी जो डिटेल है वो भी आपको दिया करेंगे। ये हल्ले हैं और इधर सारे स्टोर किया हुआ है। जो कबूतर अभी मैंने उड़ाए थे वो देखे सामने ऊपर जाकर बैठ गए, इनके लिए छतरी बनाई गई है, छतरी पर ये बैठते हैं। और दोस्तों इन बकरियों को जो चारा है वो डाल देते हैं, क्योंकि जो चारा है ये बड़े नखरे से खाती हैं, और हर टाइम जो चारा है इनके सामने ताज़ा रखा जाए। ये देखना अभी दोस्तों ये खाना शुरू कर देंगे, ये देखें इसके अंदर जो गन्ने की गंडेरियाँ हैं उनको ये बड़े शौक से खाते हैं। और आपको चेक करवाते हैं कि बकरे की जो दाढ़ी है वो भी आई हुई है, चेक करें, मौलवी बकरा है ये। और ये हमारा सोनू भी आ गया है, इसका भी आपको शौक करवाएंगे। और इन बकरियों ने अब चारा खाना शुरू कर दिया, जैसे ही मैं इनके पास आता हूँ तो ये खाना छोड़ देती हैं, इस खाने को ये बड़े शौक से खाती हैं। दोस्तों मक्की को दिलाकर रखा हुआ है इस वाकर, यानी कि इसको लेते हैं थोड़ा सा, और ये चौकर के तौर पर इस्तेमाल होती है दूसरे जानवरों के लिए, तो मुर्गियों को भी डालते हैं, देखते हैं ये बड़े शौक से खाएंगी। ये चेक करना, अभी ये इधर आ जाएंगे, मैं इन बकरियों के सामने भी घेरता हूँ, ये देखें कितने शौक से खा रही हैं। अगर इस बछिया के सामने रखा जाएगा तो ये भी खाना शुरू कर देंगी, कुक्कड़ मुझ से डर रहे हैं। अभी ये देखना दोस्तों खाना शुरू कर देंगी ये। मुर्गी किधर गई? नहीं वो आ गई, आ गई, दो में मुर्गियां आ गई। ये हमारी असील मुर्गी है और ये मिस्री मुर्गी है, ये अंडों के लिए रखी है, अंडों पे ये आ गई है। इसके कुछ अंडे हमने उस मुर्गी के नीचे भी रखे हैं, उससे बच्चे निकलेंगे और फिर घर में अंडों की जो बहतात हो जाएगी और गोश्त खाने के भी काम आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो बना कर लाया करेंगे।